इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोनेटाइजेशन का मसला था वो सॉल्व हो गया है। अब ये मसला क्यों? वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सैयद अता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद आप अपने चैनल की डैशबोर्ड पर जाने के बाद मोनेटाइजेशन के पेज को ओपन करके चेक करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप मोनेटाइजेशन के लायक नहीं है, कि आपके चैनल इस काबिल नहीं है कि आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन की जाए। तो ये चीज आपको देखकर बहुत दुख होता है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप उसको हल करने के बारे में नहीं सोचते। तो आज मैं आपको यही मसले बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस मसले को हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आपके YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन एबल क्यों नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। इसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि आप जब कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो आप ऐसा कंटेंट बना जाते हैं जिससे YouTube की जो पॉलिसी होती है वो वायलेट हो रही होती है। या फिर अगर ये नहीं होता तो ये होता है कि अगर आप एक चैनल बनाते हैं कैटेगरी पर तो उसके साथ आप फॉरेन एक्सेंट्स बना देते हैं और उसके बाद जब आपका वो चैनल नहीं चलता तो आप उसको छोड़ के दूसरे चैनल पर काम करते हैं। वो चैनल आपका चल जाता है तो आप एक और एक्सेंट्स बनाते हैं और आपका चैनल जाता है रिव्यू के लिए और वो रिव्यू में लटक जाता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने जब पहले एक्सेंट्स बनाया था वही एक्सेंट अगर आप दोबारा बनाते हैं उसी जीमेल आईडी पर तो आपके एक्सेंट्स को अप्रूव नहीं किया जाता जाएगा तो आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं हो पाएगी। तो ये एक मसला होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी मसले पर प्रैक्टिकल कर बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अगर आपके एक्सेंट्स पर आपसे कहते हैं कि आपने पहले भी बहुत सी जीमेल आईडीज पर आपने पहले से एडसेंस बनाए हुए हैं या फिर एक ही जीमेल आईडी पर बहुत सारे एडसेंस आपने अकाउंट बनाए हैं तो आपकी जो अप्रूवमेंट है वो नहीं हो पा रही, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, तो आपको क्या करना है वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सारा काम आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप अगर मोनेटाइजेशन का पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपको जो मोनेटाइजेशन है वो एबल नहीं होगी, ऐसा लिखा हुआ आपको वहां पर नजर आ रहा है। अगर आप चाहेंगे, अब हमें इसको अप्रूव करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अप्रूव करवाना है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको सेटिंग में भी यहाँ पर आपको डिसेबल नजर आ रही है आपकी मोनेटाइजेशन, जबकि यहाँ पर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ईमेल को चेक करना है और हमारे पास जो यहाँ पर ईमेल आई हुई है यहाँ लिखा है यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि आपने पहले से एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, आपने पहले से एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपका वो भी अप्रूव नहीं हो रहा और उसी वजह से आपका ये भी अप्रूव नहीं हो रहा। आपने एक ही अपने यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी पर आपने पहले एक एडसेंस बनाया जिसे आपने अप्रूवमेंट के लिए भेजा, वो आपका नहीं हुआ अप्रूव, आपने दूसरा बना लिया और यही सारे मसले यहाँ पर आपके इस मसले में हो रहे हैं। हमें यहाँ क्या करना है, हमें जाना है इनके एडसेंस अकाउंट पर। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है यू नीड टू फिक्स समथिंग टू यूज एडसेंस। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा जो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके जो पुराने एडसेंस अकाउंट है, पुरानी जीमेल ये बने हुए एडसेंस अकाउंट है, को रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो टर्म्स लिखी हैं ये पढ़ लेनी है, मैंने आपको सारी बता दी हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपसे ये कहेगा कि कुछ वक्त बाद आपकी जो आपका जो एडसेंस का मसला है वो हल हो जाएगा 2 से 3 दिन में। तो हम अब इसको छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए। दोस्तों, हम दोबारा अपने इसी चैनल की डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप दोबारा मोनेटाइजेशन के पेज पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोनेटाइजेशन का मसला था वो सॉल्व हो गया है। अब ये मसला क्यों सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ वो मैं। तो दोस्तों, होता ये है कि अगर आप एक ही जीमेल आईडी से मुख्तलिफ एडसेंस अकाउंट बनाते हैं या फिर आप अगर मुख्तलिफ जीमेल आईडी से एक ही नाम से एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव होने में मुश्किल पेश आती है। तो पहले ये मसला बहुत होता था। पहले क्या होता था कि आप जैसे यूट्यूब चैनल बनाते थे उसके फौरन बाद आप एडसेंस अकाउंट बनाते थे और उसको लिंक कर देते थे अपने चैनल से। ऐसे ही यूट्यूब ने ये फिक्स किया कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको नीड होगी एडसेंस पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये मसला थोड़ा कम हो गया, लेकिन आपको अभी भी
अगर आप एडसेंस अकाउंट पहले बना लेते हैं तो आपको दूसरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाकर रखना है अगर आप पहले से बनाना चाहते हैं, वरना आप अपना जो पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम है उसे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप सारा काम करें। और आप जब भी एक चैनल शुरू कर रहे हैं तो आप नई जीमेल आईडी बनाएं, किसी भी पुरानी जीमेल आईडी पर दोबारा नया चैनल शुरू ना करें। अगर आप ऐसी गलतियों से बचते हैं तो आपको ये मसाइल पेश नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।